हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये हमारा पार्ट 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स अपलोड किए थे। आपने इसे नहीं देखा तो इसे भी जरूर देखें। हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पार्ट 4। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो SSC CHSL 2016 में पूछे गए थे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज आई सॉ, मैंने देखा, जैसे ही मैंने देखा, द फेरोसियस डॉग। फेरोसियस मीन्स डरावना, भयंकर, हॉरिबल, सिखते फेरोसियस, भयानक डॉग, कुत्ते को देखा। देन तभी आई रेन अवे, मैं भाग गया। यह यूज हुआ है देन। इंग्लिश ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, नो सूनर देन। यह यूज हुआ है एज सून एज। एज सून एज की जगह यूज करेंगे नो सूनर, देन देन आई रेन अवे। एंड जब भी हम सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट करेंगे तो उस सेंटेंस में इन्वर्सन का यूज करेंगे। दैट मींस वो पहले यूज होगा, सब्जेक्ट उसके बाद यूज होगा। जो सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल, एज सून एज, जो ही, द थीफ सॉ द पुलिस, चोर ने पुलिस को देखा, ही रेन अवे, वो भाग गया। तो यहाँ में देन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ हमने जस्ट कोमा यूज किया, क्योंकि देन की जरूरत होती किसके साथ, नो सूनर के साथ। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही ये जो ही चोर ने पुलिस को देखा, देन यहाँ यूज किया हमने देन, नॉट कॉमा, क्योंकि नो सूनर यूज कर रहे हैं तो इसका कोरिलेटिव होता है देन, ही रेन अवे, तभी वह भाग गया। और जब नो सूनर से स्टार्ट करेंगे तो वहां इन्वर्सन को यूज करेंगे, पहले वो देन सब्जेक्ट द थीफ। तो ये सेंटेंस स्टार्ट होगा नो सूनर से, देन यूज होगा डिड आई सी। नो सूनर डिड आई सी, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं डिड, देन वर्ब का बेस फॉर्म, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई सी द फेरोसियस डॉग देन आई रेन अवे, जैसे ही मैंने भयंकर खतरनाक कुत्ते को देखा, क्यों ही मैं भाग गया, देन आई रेन अवे। नेक्स्ट है, आइंस्टाइन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक का नाम है, जो थे, वॉज क्या थे, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन, ज्ञानी लोगों में से एक थे। यहाँ यूज हुआ सुपरलेटिव डिग्री, देन यूज हुआ प्लुरल फॉर्म। जनरली क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो नाउन यूज होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। द बेस्ट बॉय, वो क्या, सिंगुलर फॉर्म में। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद गर्ल, नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। बट जब स्ट्रक्चर हो कि पहले सब्जेक्ट देन वर्ब, सब्जेक्ट then verb, then use हो one of the use हो, इसके बाद जो superlative degree use होगा, superlative, इसके बाद noun in plural form, ये जो noun use करेंगे वो होगा plural form में। तो यहाँ use है men, man का plural form men, wisest man, ये superlative degree। यहाँ use हो subject, then ये verb, ये हमारा subject, ये verb, one of the, then superlative degree, wisest, then noun in plural form, plural noun. For example, John Keats was one of the greatest poets of England. तो यहाँ use of poets, not poet, क्योंकि structure क्या, John Keats subject was verb, then one of the, then superlative degree greatest, then noun in plural form. England के महान poets में से एक थे John Keats. तो सेम स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस में फॉलो किया गया, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, द हैपलेस किड, हैपलेस मीन्स बदकिस्मत या अनलकी, अनलकी, बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवान से कहते हैं हैपलेस। द हैपलेस किड, अनलकी बच्चा, कट अ सॉरी फिगर इन हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। ब्रैकेटेड पार्ट है कट अ सॉरी फिगर, एक idiom होता है कट अ सॉरी फिगर, मीन्स मेक बैड रिजल्ट, बुरा परिणाम लाना या शर्मिंदा होना, इसे कहते हैं कट अ सॉरी फिगर। फॉर एग्जाम्पल, ही कट अ सॉरी फिगर इन द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन में बुरे परिणाम लाए, he cut a sorry figure। तो इस idiom को हम दोनों sense में use करते हैं, cut a sorry figure means बुरा परिणाम लाना या
शर्मिंदा होना द हैपलेस किड कट अ सॉरी फिगर इन हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज बदकिस्मत बच्चे ने स्टेज पर अपने फर्स्ट परफॉर्मेंस में शर्मिंदा किया कट अ सॉरी फिगर शर्मिंदा करना या बुरे परिणाम लाना तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है करेक्ट सेंटेंस तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट है इफ यू आर लिविंग इन द क्राउडेड पार्ट ऑफ द सिटी देन यू शुड बी रेडी टू बियर द नॉइस ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ बियर ऑप्शन है बियर ऑफ बियर के साथ अवे बियर के साथ विद एंड नो इम्प्रूवमेंट बियर इसके साथ अगर हम विद को यूज करते हैं दैट मीन्स सहन करना या गुजर करना या बी पेशेंट धैर्य बनाए रखना से कहते हैं बियर विद फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल बियर विद मी अ लिटिल लॉन्गर यदि थोड़ा सा और तो मेरे साथ धैर्य बनाए रखोगे मेरे साथ रहोगे आई विल हैव ऑल द वर्क फिनिश्ड मैं पूरा काम कंप्लीट कर लूंगा फिनिश कर लूंगा इफ यू आर लिविंग इन द क्राउडेड पार्ट ऑफ द सिटी यदि तुम सिटी के भीड़ भाड़ वाले पार्ट में रहते हो देन यू शुड बी रेडी तुम्हें तैयार रहना चाहिए टू बियर विद द नॉइस शोर के साथ शोर शराबे के साथ धैर्य रखने के लिए उसे सहन करने के लिए उसे बर्दाश्त करने के लिए दैट इज बियर विद इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बियर के साथ यूज करेंगे विद नेक्स्ट है इफ अ पर्सन स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ मराठा एम्पायर ही वुड हैव वंडर्ड हाउ अ स्मॉल वॉरियर ट्राइब कुड हैव चैलेंज्ड द माइटी मुगल्स सेंटेंस स्टार्ट हुआ इफ से आगे यूज हुआ वर्ब का सेकेंड फॉर्म स्टडी सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट देन वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस एंड आगे यूज हुआ वुड हैव कंडीशनल सेंटेंस में जब सेंस ये हो अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता तो इसे व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस एंड जो मेन क्लॉज होता है उसमें यूज करते हैं वुड हैव इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड मेन क्लॉज वुड हैव फॉर एग्जाम्पल If you had asked me, यदि तुमने मुझसे पूछा होता मुझसे कहा होता I would have helped you. मैंने तुम्हारी सहायता की होती अगर तुमने मुझसे पूछा होता तो यहाँ हमने if clause को past perfect में लेकर had then verb का third form, then would have. तो यहाँ हम use करेंगे past perfect, subject, then had, then verb का third form. Study as a verb का second form and third form दोनों same होता है तो ये होगा had then verb का थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस यदि एक व्यक्ति अ पर्सन पढ़ा होता मराठा साम्राज्य का इतिहास ही वुड हैव वंडर्ड कि कैसे एक छोटा लड़ाकू जनजाति शक्तिशाली मुगल्स को चैलेंज दे सका तो ये होता है कंडीशनल सेंटेंस का टाइप थर्ड जिसमें इफ क्लॉज के साथ यूज करते पास्ट परफेक्ट टेंस एंड जो मेन क्लॉज होता उसमें यूज करते वुड हैव तो यहाँ हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस हैड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट है बाय 2030 इंडिया वुड हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड ब्रैकेटेड पार्ट है वुड देन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन हो कि भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा फिनिश हो चुका होगा और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन शैल और विल देन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल इसके लिए टाइम फ्रेजेस यूज होते हैं लाइक बाय टुमारो बाय 2020 बाय जनवरी बाय नेक्स्ट वीक By next week, by the end of this year, end of this year, etc. For example, by this time next year, she will have finished her course. अगले साल इस समय तक वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी समाप्त कर चुकी होगी तो भविष्य में एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा तो इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड वुड हैव टू शो दैट यू वांटेड टू डू समथिंग इन द पास्ट बट यू कुडंट
आपने कोशिश की बीते हुए समय में कुछ करने की पर आप वो कर नहीं सके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वुड देन हैव। आई वुड हैव गॉन देयर बट देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट सर्विस। मैं वहाँ गया होता लेकिन वहाँ कोई यातायात सेवा नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा सका। तो पास्ट में कुछ करने की कोशिश की पर उसे कर नहीं सके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं वुड देन हैव। और फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट देन शैल या विल देन हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह यूज है बाय 2030, बाय एन पर्टिकुलर ईयर, भविष्य का कोई निश्चित साल या कोई महीना, कोई वीक, जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा। बाय 2030 इंडिया विल हैव बिकम, यहाँ हम यूज करेंगे विल नॉट वुड, यहाँ यूज होगा विल। विल हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, 2030 तक इंडिया हो चुकी होगी दुनिया की सबसे आबादी वाली कंट्री। तो इसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और वुड की जगह यूज करेंगे विल, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है, इन 2001 हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक इन गुजरात। जनरली वी यूज बाय एजेंट इन पैसिव वॉइस बट नॉट ऑलवेज। जनरली क्या होता है कि पैसिव वॉइस में हम बाय एजेंट को यूज करते हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ हम डिफरेंट प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेस्ड इसके साथ यूज होगा विद, नो इसके साथ यूज करेंगे टू, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड देन इन, सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड के साथ विद, एस्टोनिस्ट इसके साथ यूज करेंगे एट, डिस्गस्टेड इसके साथ यूज करेंगे विद, डिपेंडेंट देन ऑन, अनॉयड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, एडिक्टेड इसके साथ यूज होगा टू, इनवाइटेड इसके साथ भी यूज करेंगे टू, लिसन टू। इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम पैसिव वॉइस में बाय एजेंट को यूज नहीं करते, इसके साथ हम यूज करते हैं डिफरेंट प्रेपोजिशंस। फॉर एग्जांपल शी वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट, सी वाज सरप्राइज्ड, पैसिव वॉइस वह आश्चर्यचकित थी। जब सब्जेक्ट पे एक्शन अप्लाई हो वो होता है पैसिव वॉइस, तो वो आश्चर्यचकित थी, देन क्या यूज हुआ, प्रेपोजिशन एट नॉट बाय, एट हिज रिजल्ट उसके परिणाम पर वह आश्चर्यचकित थे। आई एम नोन टू मिस्टर रमेश, नोन के साथ क्या यूज हुआ टू नॉट बाय। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, इसे नोट कर लें, याद रखें कि इसके साथ पैसिव वॉइस में हम बाय को नहीं यूज करेंगे, इसके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन को यूज करेंगे। एग्जाम्स में पैसिव वॉइस में हमेशा बाय को यूज करके एरर्स दिए जाते हैं, यही कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिसके साथ में बाय यूज नहीं करना होता है, इसके साथ हमें डिफरेंट प्रेपोजिशन को यूज करना होता है। तो यहाँ यूज है फ्रॉम, फ्रॉम द अर्थक्वेक, ये होगा इन द अर्थक्वेक, फ्रॉम की जगह यूज करेंगे इन, ऑप्शन नंबर वन, इन द अर्थक्वेक इन गुजरात। नेक्स्ट है, मिस्टर शाह इज हैविंग टू हाउसेस, हैविंग कुछ नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स होते हैं जिसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं, ये स्टेबल वर्ब्स होते हैं, इसे कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इसी तरह का एक वर्ब हैव मींस रिसीव करना या गेट ऑब्टेन गेन करना, इसे कहते हैं हैव, पाना ग्रहण करना ये होता है हैव। और जब भी हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो इसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हैव एक नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। तो यहाँ हम हैविंग को यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म है मिस्टर शाह, तो इसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे हैज, मिस्टर शाह हैज टू हॉर्सेस, मिस्टर शाह के पास टू हॉर्सेस हैं। तो एज अ मेन वर्ब इसे हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, बट हैविंग को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, हैविंग। देन यूज होगा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जब सेंस ये हो कि एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा हुआ, फॉर एग्जाम्पल हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद पहुंचने का काम कंप्लीट हुआ, हैविंग रीच्ड होम एक्शन कंप्लीट, आई टुक अ रेस्ट, एक एक्शन के फिनिश होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ, मैंने आराम किया, आई टुक अ रेस्ट।
तो जब एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन हो तो हम यूज करते हैविंग देन पास्ट पार्टिसिपल. बट एज ए मेन वर्ब इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करेंगे या हम आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करेंगे. ये होगा हैज. मिस्टर शाह हैज टू हॉर्सेस. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हैज. तो ये था आज का हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 4. इसमें हमने जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे वो एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछे गए थे. इस टॉपिक पे हमारे और भी वीडियोस आएंगे तो हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें. तो मिलते हैं फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पार्ट 5 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.